नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम सी आनंद भंगड़िया एंड आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और अब तो ऑलमोस्ट वैक्सीन भी आने के कगार पर है और सब चीज़ें रूटीन पर चल रही है। शेयर ऑल टाइम हाई पर है, शेयर बाजार राइट, और काफ़ी सारी चीज़ें अभी पॉजिटिविटी नोट पर देखने को मिल रही है। तो आई एम श्योर 2021 इज़ गोइंग टू बी अ रियली रियली रॉकिंग ईयर। तो पहली चीज़ मैं आप सभी लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आप सभी लोगों के सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली IPL मैच हुई और मेरी फेवरेट टीम, मतलब मेरी दो फेवरेट टीम है, एक मुंबई इंडियंस और एक दूसरी है जो चेन्नई सुपर किंग्स। और आई एम श्योर एवरीवन नोज द रीज़न व्हाई चेन्नई सुपर किंग्स इज यू नो द फेवरेट ऑफ सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। बट अगर इस बार अगर हम देखेंगे तो पूरे लॉकडाउन के बाद में जब ये IPL शुरू हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी साहब का परफॉर्मेंस इतना काबिले तारीफ नहीं रहा जितना होना चाहिए। मैं रीजंस में नहीं जाना चाहता हूं, बट मैं आप पर छोड़ता हूं रीजंस के लिए। बट आपको एक सलाह देना चाहता हूं और एक चीज़ समझाना चाहता हूं कि बेटा जी, इस पूरे पीरियड के दौरान हमें जो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए वो ये है कि प्रैक्टिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फैक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड। मतलब आपको उसी जगह रहने के लिए हमारे कोर्स में, CA कोर्स में, इफ़ यू वांट टू स्टे वेयर वी हैव टू कीप रनिंग, क्योंकि फास्ट बदलाव होते, चीज़ें चेंज होती रहती है और हमें कंटिन्यूसली हमारे टोज पर रहकर अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है, अपने आप को काम पर लगाना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है, और तब जाके हमें CA कोर्स का सही मायने में फल मिलता है। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेकर पास होते हो तो उसका कोई ज़्यादा विशेष फायदा नहीं होता। सो बोलने का तात्पर्य है कि मेरे रसगुल्ले बच्चों, कि अब आपने एग्ज़ाम दी है और एग्ज़ाम देने के बाद में अब आपके पास चार जो आगे समय मिल रहा है उसके अंदर आप फ्री हो, और इस फ्री समय के वक्त आपने क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो बेटा जी, अब एक कॉमन सेंस की बात समझना कि CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम आप 11th के बाद में रजिस्टर कर सकते हो और आपको पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिलता है 11th के बाद। 11th और 12th का पूरा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है और उसके बाद में आप फाउंडेशन के एग्ज़ाम देते हो, तो लगभग अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो ऑलमोस्ट यू गेट 20 months, इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू रजिस्टर फास्ट एंड डू इट, सो यू गेट ऑलमोस्ट 20 months टू गिव योर CA फाउंडेशन एग्जाम। बट वही CA इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स हो गए डबल से ज्यादा हो गए सब्जेक्ट्स, बट उसको पढ़ने के लिए आपको मिलते हैं सिर्फ 9 महीने, राइट, जिसके अंदर आपको पूरा पढ़ाई भी करना है दोनों ग्रुप का और साथ साथ आपको उसकी PL में प्रिपरेशन भी करनी है टेस्ट सीरीज के साथ साथ। तो मैं आप सभी लोगों को यह सुझाव दूंगा और बहुत स्ट्रांगली सुझाव दूंगा उन CA फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए कि आने वाले समय में 4 जनवरी को जो बैच लॉन्च की जा रही है भाई स्वप्निल पटनी क्लासेस, तो आप सभी लोगों ने उन क्लासेस का जरूर फायदा लेना चाहिए क्योंकि ये जो क्लासेस है इसमें आपका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। नुकसान क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको 2-3 वजह बताता हूं। एक तो फैकल्टी एक नंबर है, दूसरा ये बात कि अगर मान लो गलती से आप फेल हो गए तो पूरा का पूरा पैसा रिफंडेबल है, राइट, तो फैकल्टी एक नंबर और अगर आप गलती से फेल हो जाते हो तो आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। और अगर मान लेते हो आप एकदम फ्लाइंग नंबर से पास हो जाते हो एंड यू नो आपको पढ़ाई शुरू करनी है तो आप ऑलरेडी मोमेंटम में हो और आप ऑलरेडी एक एज बना चुके हो बाकी के लोगों से, आपकी तैयारी बहुत जल्दी जल्दी हो चुकी है, राइट, आप तैयारी पहले से ही करने लग गए हो। तो मैं आप सभी लोगों से बस यही एक दरख्वास्त करूंगा कि आने वाली जो बैच है जो शुरू हो रही है 4th of January 2021, ऑफकोर्स ये हमने जानबूझकर नए साल में रखी है बैच, तो 2021 में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद में 2021 में आप जरूर अपने आप का स्वागत करिए नई नॉलेज के साथ में और CA इंटरमीडिएट कोर्स की तैयारी शुरू कीजिएगा। फैकल्टीज के नाम आपको मैं बता दूं, वैसे इनकी जरूरत तो है नहीं। अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा आनंद भंगड़िया, और आपको कॉस्टिंग पढ़ाएंगे हमारे प्रिय मित्र हर्षद जाजू जी, और कंपनी लॉ आपको पढ़ाएंगे अंकिता पटनी मैम, राइट, शी इज द क्वीन ऑफ लॉ। उसके बाद में जब हम आगे चलते हैं ग्रुप 2 में, एडवांस्ड अकाउंट्स के बारे में मैंने बात करी, सॉरी ग्रुप 1 में मैं पूजा कामदार मैम का जिक्र करना भूल गया। पूजा कामदार मैम आपको DT और IDT पढ़ाएंगी, राइट, शी हैज गॉट सो मच ऑफ अ ह्यूज एक्सपीरियंस। और ग्रुप 2 में अगर हम बात करेंगे सो मैं पढ़ाऊंगा एडवांस्ड अकाउंट्स, स्वप्निल पटनी जी पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स फाइनेंस दैट इज FM एंड IT दैट इज EISSM, ऑलराइट, और मेरे राजा बेटा जी लास्ट का सब्जेक्ट जो है ऑडिट वो वापस हर्षद सर आपको पढ़ाएंगे। तो बेटा जी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा और समय आपको अगर सही तरीके से सदुपयोग करना है तो आप सभी लोगों से मैं इतनी ही दरख्वास्त करूंगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए।
मैं आपको इस कोर्स का और एक प्लस पॉइंट बताता हूं जो इस बैच के साथ हमने जोड़ा है। कई सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर अभी हम घर पर बैठ बैठ के बोर हो गए, हमें फेस टू फेस क्लासेस करना है। बेटा जी, अगर हम कानून की बात करें तो पुणे में अभी तक हमें फेस टू फेस क्लासेस लेने की परमिशन नहीं मिली है, बट यदि आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस करते हो और उसके बाद में ये डिसाइड हो जाता है, हमें कानून की तरफ से परमिशन मिल जाती है कि हम फेस टू फेस क्लासेस कर सकते हैं, तो आप सभी लोगों का राइट तहे दिल से स्वागत है पुणे में। आप फेस टू फेस क्लासेस करिएगा, जो फीस आपने ऑनलाइन लाइव के लिए भरी है वो एडजस्ट हो जाएगी फेस टू फेस क्लासेस में। अगर फीस डिफरेंशियल कुछ होगा तो वो आपको सिर्फ भरना होगा, बट अदरवाइज वो पूरी की पूरी फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी और आपको पुणे का जो कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, और यहां पर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है ब्यूटीफुल क्लाइमेट एंड ब्यूटीफुल वेदर, और साथ साथ यहां का कल्चर वगैरह ये सारी चीजें भी आपको समझने का मौका मिलेगा। एंड यू पीपल आर ऑल इनवाइटेड टू कम डाउन टू आर फेवरेट पुणे, और आप हमारे साथ फेस टू फेस क्लासेस भी कर पाओगे जैसे ही हमें परमिशन मिलती है। बट जिस तरीके से मैं चीजों को अब देख रहा हूं तो उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अभी जो हालात है उसमें सुधार होंगे, वो डिटेरियोरेट नहीं होंगे। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का जरूर जरूर फायदा उठाइएगा बिफोर द एडमिशन गेट्स क्लोज्ड, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एनरोल्ड, क्योंकि हमें ये एडमिशन देते हो ये भी चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप कल को ये कहें कि मुझे फेस टू फेस में भी आना है तो हमारे पास वो गुंजाइश उतनी जगह होनी चाहिए कि जिसमें हम आपको अकोमोडेट कर पाए। राइट, ऑनलाइन में तो कर पाएंगे बट फेस टू फेस में वो गुंजाइश है या नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर अपने करियर को लेकर सिंसियर है, सीरियस है, और अगर आपको पेपर अच्छे गए हैं और आपको रिफंड का भी टेंशन है तो ये सारे टेंशन गायब है, आप इन क्लासेस को कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं उन बच्चों से भी बात करूंगा जो जनवरी 2021 में एग्जाम्स देने वाले, वो डरे हुए कि सर हमारा क्या, हम तो पीछे रह गए। बेटा बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप अभी बिल्कुल दिलो दिमाग लगाकर आप इस एग्जाम को दीजिए। हमारे पास प्लान ऑलरेडी रेडी है कि अगर आप जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी आपको किस तरीके से इन्वॉल्व करना, इसका पूरा का पूरा प्लान हमारे पास रेडी है, बट अब देरी मत करना। राइट, तो आपको ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे एज एंड व्हेन आपकी एग्जाम समाप्त होती है। अभी हम नहीं चाहते कि आपका ध्यान बिल्कुल भी डाइवर्ट हो, तो अभी आप पूरा का पूरा फोकस करिए आपके एग्जाम्स पर। और बाकी के बच्चे जिन्होंने अभी ऑलरेडी एग्जाम्स दे दिए हैं दिसंबर नवंबर में, उन सभी फाउंडेशन के विद्यार्थियों को मैं ये कहूंगा कि यू प्लीज गेट एनरोल्ड फॉर द ऑनलाइन लाइव क्लासेस एंड टेक द बेनिफिट ऑफ कंप्लीटिंग योर सिलेबस अर्ली एंड रिवाइजिंग इट अगेन आफ्टर देयर आफ्टर एंड गिविंग द टेस्ट सीरीज। सो राइट, सो हियर आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, एक बात बिल्कुल भूलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए स्माइल करते रहना, है ना। चलो बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।